मानव तो जानवर हो आदमी में मानव कैसे अंतर है आप बताएंगे आप हमको? जो मानव जन्म होते है उस समय जो जो मनुष्य का जन्म है कितनी योनि में मनुष्य का जो जन्म है आपको ये चीज पता होगी, आप बुजुर्ग इंसान है, मनुष्य का जो जन्म है कितनी योनि में है, जिसमें आपका ये चींटी भी है, हाथी भी है, भालू भी है, भैंस भी है, बैल भी है, गाय भी, रुक जाओ, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, और क्या नाम, चीता भी है, चींटी भी है, और बहुत सारे जानवर हैं, अरे जानवर हैं, तो यह कितनी योनि में योनि तो जाता है 84 लाख योनि पार करके। नहीं 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 आपको नहीं आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ 84,000 लाख योनि में एक मनुष्य का जन्म है, क्योंकि 84,999 में ये और जो जीव जंतु हैं, चींटी है, ये सारे हैं, लेकिन मनुष्य एक बहुत कीमती चीज है, लेकिन मनुष्य अपने आप को क्या है, सबसे गिरा हुआ इंसान समझता है, ये सबसे बड़ी उसकी भूल है। एक भैंस है, ये सबसे एक क्या है, ये हमारे आपकी तरह ही एक इंसान या एक लड़के या लड़की थी, ये कुत्ते या कुत्तियाँ हैं, या कोई बिल्ली है या बिल्ली है, या चींटा है चींटी है, ये भी हमारी आपकी तरह इंसान है, ये क्या कर्म की आधार से इनको ये इनको दिया गया है, ये दंड है, लेकिन आज डेट में इंसान को अपना इंसानियत रूप उसको नहीं समझ में आ रहा, कि इंसान को आप यहाँ पर किसके भरोसे बैठे हैं, आप यहाँ पर किसके भरोसे बैठे हैं, आप हमको ये चीज़ का उत्तर दीजिए। नहीं नहीं शांत रहो शांत रहो, आप यहाँ पर किसके भरोसे बैठे हैं? यहाँ पर खुद अपनी दम के भरोसे बैठे। बिल्कुल राइट बात आप देखा आपने दम पर देखा आपने, क्योंकि भगवान का केवल एक नाम है, ठीक है, एक विश्वास है। भगवान को मैं गाली क्यों देता आपको मालूम है? मैं भगवान को गाली देता हूँ क्योंकि आज डेट में 90-10% केवल ईमानदारी, इंसानियत, केवल लाज शर्म, इज्जत शोहरत बची है, 90% आज की डेट में नहीं रही है। जो आज डेट में लोग कहता कि भगवान भरोसे बैठे हैं, या कोई काम करता उसके भरोसे बैठे हैं, या कोई ठेकेदार है उसके भरोसे बैठे हैं, या किसी कंपनी में काम करता उसके भरोसे बैठे हैं, ये उसकी एक गलत सोच है। और नौकरी क्या है? एक नौकरी एक बुरी बला है। नौकरी क्या, नौकरी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नौकरी का मतलब, आपने बाबा आपने क्या काम किया अपनी जिंदगी में अभी तक? आप नहीं, नहीं। पहली बार हाँ बिल्कुल आपने अभी तक मेरे चाचा ने मुझे कही कि चलो वो तुम्हारी फौज नौकरी कराई दें। बिल्कुल राइट बात। मैंने कही जब हमसे हुकूमत बर्दाश्त नहीं तो कैसे नौकरी हुई? बिल्कुल सही बात आप, हमसे जब हुकूमत किसी बर्दाश्त नहीं हुई तो नौकरी कैसे करी? सही बात बिल्कुल राइट बात। अब नहीं करी बिल्कुल, अब आज तक जकात लोग नौकरी हूँ हम तो गाड़ी दे के कहा बहन तो आदमी का नौकरी करें। सही बात बिल्कुल राइट बात। अपनी दम को राखो बिल्कुल सही बात बिल्कुल राइट बात। अपनी दम पर रहे जाओ जकात, मेरे सामने अगर ही बेइज्जती का होती तो हम भीषम पितामा की चुप बनाई चुप की मारी बैठ नहीं। सही बात है। हम झगड़ा कर दी जान तुल गई। बिल्कुल राइट बात है। हम भीषम पितामा की चुपकी नहीं मनी कि अब अगला की बेइज्जती होती रही और भीषम पितामा करण अब गुरु द्रोण जैसे चुपके मारे बैठे रहे जैसे धरती भारे हुई है तो उसी दिन। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल राइट बात। समझो आप बात, जो बात आप कह रहे हो ये समझो उनकी बात को, ये क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि आज डेट जो सबसे बड़ी चीज़ है एक इंसानियत है, भगवान का केवल नाम है, एक विश्वास है, कड़कड़ कहते गए कड़कड़ में है भगवान, लेकिन इंसान के अंदर ही है भगवान, इंसान अपने अंदर को एक बार कर्म तुम ना कर सकत भगवान का जो कहता हूँ तो वो कर्म तुम कर सकत है खुद। सही बात बिल्कुल। और नौकरी का मतलब क्या होता है, अगर आप नौकरी अगर कोई भी करेंगे, नौकरी का मतलब मैं बता रहा हूँ आप भी बाबा सही बात जो आपने कही आप बिल्कुल सही बात। नौकरी का मतलब क्या होता है कि नौ व्यक्ति का अगर एक व्यक्ति काम करता है नौकरी कहलाता है। और नौकरी का मतलब क्या बताऊंगा कि अगर 10,000 रुपये अगर आपको देता है वो महीने का तो 50,000 का आपसे काम लेता है तो नौकरी कहलाती है। अगर 10,000 रुपये नौकरी करते हैं अगर 10,000 या 12,000 15,000 कोई भी तनख्वाह देता है तो 50,000 का कम से कम आपसे वो काम लेता है।
समझ रहे कम से कम 50,000 रुपये आपसे काम करवाएगा तो वो आपको 10,000 रुपये देगा महीने में। हाँ 10,000-50,000 काम, अब तुम अपने मन से देख रही हो तो 25,000 कमा सकते। तुम जब मन में सोचते हो हमें बट्टे के मिले, बिल्कुल सही बात, 25,000 जमी कमा सकते। क्योंकि आज डेट में देखो, आज डेट में क्या है, आज डेट में जो लड़के लड़की हैं वो क्या करते हैं, इंटर किया, उन्होंने बीटेक किया, एमए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, बीएलएलबी किया, बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, या डॉक्टर करेगा या वकील करेगा या दरोगा हुआ, सीएम हुआ, पीएम कोई भी हुआ, वो पूजा पाठ क्या करता है मैं बताता हूँ तुमको, ये चीज बाबा को मालूम है, मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं खुला खुला बता रहा हूँ, पूजा पाठ करेगा कि हे भगवान कि हमारे पास ज़्यादातर जो वकील होता है कि ज़्यादातर हमारे परिवार में या खानदान में अगर वगैरह लोग लड़ाई कर लड़ाई झगड़ा करे, हमारे पास ज़्यादा केस आए तो हमारे पास ज़्यादा रुपये आएगा। हाँ। और डॉक्टर काम क्या होता है कि ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा लोग करेगा, ज़्यादातर बीमार हो लोग, जो पूजा हाँ। पाठ करता है मैं उसका हाँ। बता रहा हूँ, पूजा खत्म नहीं, दाम निकले, समझ रहे, भगवान की सेवा कोई नहीं, ये सब अपने अपने मतलब कर रहे हैं, क्या दुनिया एक मतलब ही है। टाइम तो इसमें हुआ है 1:44 हो गया है। अब एक बात बताऊं, एक टाइम टाइम किसी का गुलाम नहीं है, दुनिया टाइम की गुलाम है, जिसने टाइम को अपना गुलाम बना लिया उसने जिंदगी में सफलता पाई है, ठीक है, ये नौकरी करने से किसी ने सफलता नहीं पाई है। अरे वो बात सही, अरे प्रसन्न मत हो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास देखो धरती, अब धरती मात कर दूँ कि धरती एक मिट्टी है, इसी धरती में हम आप पैदा हुए, इसी धरती मिलना है, एक इंसान का जो 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 शरीर है क्या एक मिट्टी है, इंसान को मालूम है कि अहंकार या भ्रष्टाचार या लाज शर्म या इज्जत शोहरत, ठीक है, एक इंसान, एक इंसान ही करता है बाबा, लाज शर्म इज्जत शोहरत या ईमान या ईमानदारी या इंसानियत या क्या नाम, बहुत सारे बहुत सी बात है, मनुष्य शरीर है, बिल्कुल सही बात है, जब जानती है जाए जनियो चाहिए। अब आज डेट में आपको मालूम चाहिए जो एक लड़का या लड़की का जो कर्तव्य है क्या है, यानी जो पहनने का उसका जो है, जो शरीर में दिया गया उसका क्या, उसका क्या नाम है, एक पैंट शर्ट और एक सलवार कुर्ती। अब आपने आपने देखी आज डेट में क्या, एक जींस पैंट, एक टी शर्ट, ये सबसे बुरी बला है। अब आपने देखा होगा आज डेट में जो लड़कियां होती हैं वो इतनी इतनी जितनी हम आप कच्चे पहनते हैं इतनी इतनी पहन के वो बाप माता जी अपने घुमाते हैं, क्या ये अच्छा करती हैं, लेकिन इनको समझाओ वो कहते जबाना है, जबाना है, अगर जबाना के आधार पर आप अगर चलोगे तो हमारे आपके जो बच्चे हैं फिल्में जो बनी अब जब देख देख हमारे देह नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आई डेट जो भोजपुरिया फिल्म है इनसे बिगड़ रहा जमाना है, ये विदेशी लोग हैं इनसे देखकर बिगड़ रहा जमाना है। अगर आपको मैं सबसे बड़ी